चाय बेचकर ये शख्स तैयार कर रहा भविष्य के कलेक्टर। बीबी की वजह से खुद नहीं कर सके पढ़ाई, अब दूसरों की जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी उठाई। कानपुर के रहने वाले मलिक गरीबी के कारण 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके और अफसर बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन आज उन्होंने एक नहीं सैकड़ों बच्चों को अफसर बनाने का बीड़ा उठा रखा है। मलिक ने एक चाय की दुकान खोली और उससे होने वाली आमदनी से गरीब बच्चों के हाथों में कलम दवात पकड़ा दी। मलिक 40 ऐसे परिवारों के बच्चों की शिक्षा का बोझ उठा रहे हैं जो गरीबी के चलते अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। मलिक अपनी कमाई का 80% इन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। मलिक कहते हैं, जब किसी बच्चे को पढ़ने की उम्र में कूड़ा बीनते देखता तो मन विचलित हो जाता और उन्हें अपना बचपना दिखने लगता। मलिक ने इन बच्चों के लिए खुद के पैसों से एक स्कूल भी खोला। मलिक हर महीने 20 से 25 हजार रुपए इन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। मलिक अपने एनजीओ के जरिए 40 परिवार के सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग का हर महीने का किराया ही लगभग 12 हजार रुपए है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 टीचर भी हैं जो बिना पैसे लिए इस नेक काम में मलिक की मदद कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दिन मलिक सभी छात्रों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। मलिक को यकीन है कि एक न एक दिन इसी चाय की दुकान से कई बड़े बड़े कलेक्टर, डॉक्टर और साइंटिस्ट निकलेंगे। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण मलिक की सोच और उनके सेवा भाव